हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि कल जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि 59 चाइनीज़ ऐप को इंडियन मार्केट में बैन कर दिया गया है। इसमें जो इंक्लूड किया हुआ मशहूर टिकटॉक का ऐप भी है, शेयर इट है, कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउज़र भी है। तो ये सारा ऐप बैन कर दिया गया है, मतलब ये सब अभी इंडिया में हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो बात ये है कि जिनके पास ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है वो क्या करेंगे, क्या वो अनइंस्टॉल कर देंगे या अपने फ़ोन पे रख सकते हैं? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। और बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा स्टेप है क्यों लिया, तो आज का जो ये वीडियो है इस वीडियो में मैं आप सबको इसके बारे में बोलने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया और हमें ये मोबाइल में ये ऐप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो इसका विकल्प क्या है, इसका अल्टरनेटिव ऐप्स हमें कहाँ मिलेगा, तो ये सब के बारे में आपको बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको जानकारी मिलेगा। मेरा नाम है रूपम, आप देख रहे हैं आरडी स्टडी सेंटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो 59 ऐप है इन सब को बैन करना चाहिए इंडिया में। इसी के मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और इन सब ऐप को बैन कर दिया गया है। एक ही रीज़न है इसमें, एक है सिक्योरिटी कंसर्न। हमारे देश की सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से ही इन सारे ऐप को बैन कर दिया गया, क्योंकि ये जो सारा ऐप है वो चाइनीज़ कंपनीज़ का ऐप है। तो इससे क्या होगा, हमारे फ़ोन में जब भी हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ऐसा ऐप, तो हमें बोला जाता है कि हमें ये अलाउ करो, वो अलाउ करो, हम लोग अलाउ कर देते हैं बिना सोचे समझे। अब बात यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे, तो इस ऐप को यूज़ करके सारा डिटेल्स हमारे फ़ोन से चुरा सकते हैं और एक अटैक, साइबर अटैक जैसा कुछ कर सकते हैं। तो इसी से इशू को हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी गवर्नमेंट का साथ देंगे इस डिसीजन में। लेकिन बात यह है कि जिसका फ़ोन में ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है वो क्या करें। देखिए दोस्तों, ये ऐप जैसे बैन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इसका कोई अपडेट नहीं आएगा, इसका प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ऐप है इसमें ना कोई अपडेट आएगा, ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका फ़ोन में ये सारा ऐप है तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, इसको मत रखिएगा। ठीक है, और बात यह है कि हाँ, अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जैसे कि बहुत ही उपयोगी जो ऐप था कैम स्कैनर, इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी हमें इसको अनइंस्टॉल करना है तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो कौन सा ऐप है। शेयर इट, जिससे हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर सकते थे, उसका अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को देखिएगा पूरा, तब जाके आपको मालूम चलेगा कौन सा ऐप का विकल्प क्या है, कौन सा ऐप का जगह में आप कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक का जगह में आप क्या यूज़ कर सकते हो, शेयर इट की जगह में आप क्या यूज़ कर सकते हो, कैम स्कैनर का जगह में आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल्स मैं बोलने वाला हूँ, जानते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे पास है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डिटेल्स, ये सब ऐप आप यूज़ कर सकते हो। और मेरा सुझाव ये है कि सबसे ये है कि आइए सब मिलकर गवर्नमेंट का ये डिसीजन है इसमें अपना योगदान देते हैं और जितना भी हमारे पास चाइनीज़ ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, ताकि हमारा जो कंट्री है वो सेफ़ रहे, हमारा जो डिटेल्स है फ़ोन में वो सेफ़ रहे।
ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसा वीडियोस मिलता रहे। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।